हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप मैंटिस किचन से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी जो है ये कोल सैंडविचेस है। तो ये है हमारे स्पिनेच एंड हैंकर सैंडविचेस, मतलब कि पालक और हमारे दही के सैंडविच हैं जो बहुत पौष्टिक हैं। तो चलिए देखते झटपट से इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए जो मेन चीज़ ली है वो है हमारा दही। इस दही को, एक कप दही को मैंने जो है 4-5 घंटे छाननी में डाल के रख दिया था। तो एक ये थिक पेस्ट जैसा गाढ़ा जाड़ा पानी पूरा निकाल दिया था जिसका, ये बिल्कुल इस तरह से थिक क्रीमी टेक्सचर बन जाता है। तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसमें मेयोनीज नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मेन बेस है इसका। इसमें मैं डाल रही हूँ मेरी उबली हुई कटी हुई पालक, कटी हुई मैंने बहुत बारीक कटी हुई पालक जो है इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने एक पानी में हल्का सा बॉईल कर लिया था और साथ में मैं रॉ टोमेटो, वेरी फाइन चॉप्ड रॉ टोमेटो और कच्ची मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर, बिल्कुल बारीक कटी हुई थोड़ी थोड़ी। ये मैं सिर्फ एक सैंडविच के लिए आपको बता रही हूँ, आप उसके हिसाब से आप अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो इसमें आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहें। अगर आप इसमें जो है सोए की पत्ती यानी डिल लीव्स खाना पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ डाल रही हूँ, वो है हमारा स्वीट अनियन सॉस। क्योंकि दही हमारा जो पानी होता है वो थोड़ा सा खट्टा वालापन होता है, उसे थोड़ा सा एक अलग स्टिंग सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जो है स्वीट अनियन सॉस। ये तकरीबन मैंने अभी आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है इसे। और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच मैं पेपर और आधा चम्मच मैं इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको जिस हिसाब से जितना टेस्ट चाहिए। इन केस अगर आपके पास स्वीट अनियन नहीं है तो थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दे रही हूँ उसमें, तो आप इसकी जगह हल्का सा पिंच ऑफ शुगर डाल सकते हैं ताकि जो दही के खट्टेपन का जो होता है ना उसको ये बैलेंस कर सके। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसमें जो है सारी चीज़ें हेल्दी हैं, स्पिनेच अनियन। अब थोड़ा सा मेरे पास मैंने डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया, कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया जो है, जो इसमें और खुशबू देता है। पालक मैंने उबली डाली है और हरा धनिया मैंने कच्चा डाला है। यहाँ पे हल्का सा टेस्ट चेंज चेक कर लीजिए कि आपको इसमें जो है मीठा या मतलब पेपर वगैरह कम तो नहीं है। मुझे थोड़ा सा इसमें सॉस की रिक्वायरमेंट लगी है स्वीट अनियन की, तो मैं इसमें आधा चम्मच और डाल देती हूँ। दैट मीन मैंने टोटल 1.5 चम्मच स्वीट अनियन सॉस डाला है। अब मैं ले रही हूँ एक चीज़ स्लाइस, मैं कोई बटर नहीं यूज़ करूँगी इसके अंदर। तो ये लिया है मैंने ब्राउन ब्रेड, आप चाहे जो मर्जी ब्रेड यूज़ करिए। मैंने उसके ऊपर ये लगा दिया है एक चीज़ स्लाइस हमारा, और ये लिया है मैंने दूसरे स्लाइस के ऊपर हमारा जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है ये इसमें हमने डाल दिया है। आप जितना चाहो आप इस मिक्सचर से 2 सैंडविच भी बना सकते हो और आप इस मिक्सचर से 1 सैंडविच भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी थिक कंसिस्टेंसी में किसको कितना देना चाहते हो। तो ये हमारा इस तरह प्रॉपरली हमने पूरा लगा दिया है इसे। और पता है क्या, ये जो पालक हरा धनिया इन सब की जो खुशबू आती है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है। इन्हें मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। आप इन्हें, मैं रॉ यूज़ कर रही हूँ, आप इसे अगर आपने फ्रेश खाना है इमीडिएटली ब्रेकफास्ट में तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हो, पर टिफ़िन में लेके जाना है तो ग्रिल जो होता है ना वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि वो खींचता है, एक ड्राई मतलब अच्छा टेस्ट नहीं देता है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसके साइड्स कट कर दिए, अगर आपको साइड्स नहीं भी कट करने तो भी खा सकते हैं। और इसे मैं बीच में से काट देती हूँ। और इस सैंडविच को अगर आप बना के 2-3 घंटा अगर आप फ्रिज में इसी तरह पैक करके रख दो और फिर खाइए तो ये कोल्ड सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे अगर आपने बच्चों को देना है तो आपने रात में बना लिया और आपने छोटे बच्चे ने सवेरे 10 बजे तक खा लेना, 9-10, 9:30 तक, तो आपने इसे पूरा फॉयल में पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए इतना कलरफुल, और जिनके मैंने बच्चों को देना है तो इसलिए मैंने 2 सैंडविच के जो 4 हिस्से कर लिए तो छोटे छोटे क्यूब बन गए और ये बहुत ही अच्छे जो है ट्रायंगल शेप में बच्चों को बहुत टेम्पटिंग करते हैं, बड़ों को भी करते हैं। आपने जल्दी जल्दी मेट्रो में, बस में, कहीं पे भी आते जाते
हम फटाफट इसे मुंह में डाल लें, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ को भी यही होता है, जल्दी जल्दी हमने ऑफिस पहुंचना है और टाइम की शॉर्टेज होती है। तो ये हेल्दी सैंडविच आपको फिलिंग भी देगा और बस और क्या नाम से बना के आप इसे नाइट में भी रख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड की हेल्प रख सकते हैं, बच्चों की हेल्प ले सकते हैं बनाने में। तो कैसी लगी आपको रेसिपी बताइएगा ज़रूर मुझे। तो फिर मिलते हैं।